ऐश्वर्य वाली अपेक्षा करते हैं कि इस वक्त उन्होंने नॉर्थ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से गुलबर्ग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े रहना चाहते हैं। मैं उनको बधाई देता हूं और सब लोगों को सहाय करने के लिए उनको बोलता हूं, सब लोग उनको सहाय करो। आंधे लेडीज उत्साही लेडी है और करके दिखाने का उनकी हिम्मत है, ऐसे लोगों को भी आने के चांस देना चाहिए। ये उन्होंने उत्साह करके इतना आए बोले तो हमको बहुत। वॉचिंग गुलबर्गा टाइम्स, गोहैश गुलबर्गा की आवाज़ एंड गुलबर्गा 24/7। तो मैं आपको बता दूं, महेश्वरी वाली जो एक सोशल एक्टिविस्ट है यहाँ पे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी का 93 बर्थडे मनाया जा रहा है रुद्राश्रम में। सबको मेरा नमस्ते। मेरा नाम महेश्वरी वाली है और मैं एज अ सोशल वर्कर हूँ और बीजेपी का एक लीडर भी हूँ। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का 93 जन्मदिन हम मना रहे, एक रुद्राश्रम है ना, रुद्राश्रम में हम मना रहे। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे थे, फर्स्ट हमारा बीजेपी को स्टैंड करने वाले उन्होंने थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी को अजात शत्रु बोलते हैं, अजात शत्रु बोले तो उनको शत्रु ही नहीं है, कोई उनका दुश्मन नहीं है, उसको अजात शत्रु बोलते हैं। तो ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, दुश्मन को कभी ये नहीं करे, उन्होंने हमेशा पार्टी के लिए काम करे, पार्टी के लिए उनका कुछ ऐसा था, उन्हें एक अच्छा कवि भी था और उसको भीष्म भी बोलते थे हमारे इसमें। तो इसलिए ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी का देखे हम लोग, क्या है, हम तो नहीं देखे, हम आज बुलाए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, उठे बैठे वो लोगों को आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काम करने वाले बड़े लोगों को आज मैं बुलाई थी। क्यों वो लोगों को बुलाई थी बोले तो वो लोग बड़े हैं, हम उनके टाइम पे हमको मालूम नहीं था, हम उन टाइम का राजकीय हमको मालूम नहीं था। तो इसलिए बड़ों के साथ मिलके एक रुद्राश्रम में हम उनका चंद नॉलेज पाना चाह रहे। आजकल के कैसे है जनरेशन, मैं होशियार तू होशियार है, तो इसमें बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का इससे हम आगे बढ़ना चाह रहे थे। इसलिए आज मैं रुद्राश्रम में सबके बीच अटल बिहारी जी वाजपेयी जी का जन्मदिन मना रहे। मैडम, ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो आज जन्मदिन मनाया गया है, हाँ, जो 93 जन्मदिन, यहाँ पे ये रुद्राश्रम में मतलब यहाँ क्या एक्टिविटीज होती है? ये रुद्राश्रम में ऐसा देखिए, माँ बाप को बच्चे रहने के बाद भी बच्चे ऐसा लाके छोड़ के जाते, तो ये इन लोगों का क्या वजूद है बोलिए, बच्चे पैदा करने का मतलब क्या? तो ऐसे ही बच्चे पैदा करे जैसे ही रहना। तो ये रुद्राश्रम में हमको आके हम करने का मतलब क्या था, इन लोगों को कुछ बच्चों का सहारा नहीं है, तो हम बच्चे तो नहीं बन सकते, तो थोड़ा तो सहारा बनेंगे बोल के आके कर रहे। भगवान चाहे तो आगे भी ऐसे ही करने का उम्मीद रखती हूँ। तो आज के दिन ही यहाँ पे लोगों को आपने काफी कुछ मतलब फ्लेक्सिटेशन किया, यहाँ पे काफी कुछ आप लोगों तो काफी बड़े बड़े लोग भी आए थे, तो इन सबको इकट्ठा करने का मतलब मेन मकसद आज का यही था कि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे मनाए, और भी कुछ थे? नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन पहला था, तो उसके बाद मैं भी उत्तर मंडल का आकांक्षी हूँ, मैं खुद अनाउंस नहीं करना चाह रही थी, मेरे बड़ों के हाथ से अनाउंस करना चाह रही थी। तो इसलिए मैं मेरा बड़ों का आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं आकांक्षी बनना चाहती थी, नहीं तो मैं नहीं बनना चाहती। यानी आप पूरी तरीके से तैयार है कि आप एक एस्पिरेंट है नॉर्थ से, बीजेपी के लिए आप स्टैंड करेंगे? हाँ। तो ये देखिए, आजकल जो राजनीति की जो रणभूमि है, हाँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन भी है, है। काफी सारे दिग्गज लोग भी इस लाइन में लगे हुए हैं कि भाई बीजेपी की सीट हमें मिले, नॉट ओनली इन बीजेपी, इवन कांग्रेस में भी यही चल रहा है। इस राजनीति में, इस रणभूमि में सबके सब है, तो इन सबको हटा के आप आगे बढ़ना और सीट को अपने तरफ करना, आपको नहीं लगता ये बहुत ज्यादा टफ है? बहुत ज्यादा ही टफ है जी। फिर भी उसमें भी मैं ना थोड़ा कोशिश करना चाहती हूँ। हाँ, इतना तो है वो, देखो मुश्किल तो कोई कुछ नहीं है, मुश्किल तो बहुत कुछ है, हम आगे बढ़ना चाहिए तो उसमें मुश्किल नहीं होता, उसको आसान हो जाएगा। देखिए, बड़ों के आशीर्वाद के बगैर हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते, तो इसलिए मैं बड़ों का आशीर्वाद ली हूँ। बुजुर्ग क्यों बोलते हैं, हर जगह भगवान नहीं मिल सकता, हमारा बड़े बोले से बुजुर्ग ही भगवान हमारे लिए, तो भगवान साथ में है तो क्या मुश्किल, मुश्किल मेरे लिए कुछ नहीं है। ये तो वो तो है कि जीतना हारना सीट मिलना ये तो एक भगवान के हाथ में है, लेकिन एक स्ट्रैटर्जी होती है, एक पॉलिटिकल लीडर के पीछे एक सपोर्ट होता है, तो वो सपोर्ट के बेस पे पॉलिटिकल लीडर फाइट करते हैं। तो आप किस बेस पे, किस सपोर्ट पे आप ये स्टैंड कर लीजिए, हाँ मुझे ये सीट मिलेगी और मैं लड़ूंगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन करे,
मैं 9-10 साल से सोशल वर्क कर रही हूँ। हाँ, मैं थोड़ा स्लम लोगों को भी जानती हूँ, अच्छे लोगों को भी जानती हूँ, मिडिल लोगों को भी जानती हूँ, उन लोगों में उठना बैठना मैं देखी हूँ। राजकीय में मैं अभी अभी आई होंगी, मैं सोशल वर्क तो बहुत दिन से करी हूँ ना, मैं तो घर में नहीं बैठी हूँ, मैं बिजनेस भी करती हूँ, सोशल वर्क भी करती हूँ। मगर गरीब लोग मन करे ना, वो लोग मुझे जीत के भी लाएंगे, टिकट भी मिलेगा, सब कुछ होएगा। मगर मैं औरत लेडीज के लिए बोल के आए तो मैं मांग रही हूँ, मेरे को टिकट चाहिए बोल के नहीं बैठी मैं, मेरे को लेडीज के लिए कुछ सब लोग मिलके नहीं, एक लेडीज को मिलना बोल के सब लोग सोच रहे तो मैं आकांक्षी हूँ। ओके मैडम, अपार्ट फ्रॉम दिस, नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज द टफेस्ट पार्ट ऑफ गुलबर्गा नाउडेज। टफ मैच, देखिए टफ गेम खेले तो मजा आएगा। ओके, मतलब आप एक पॉलिटिकल बीजेपी लीडर हैं, सो आपकी सिनेरियो आप खुद जानती हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी नॉर्थ की जो है एक स्टैंड है माइनॉरिटीज के पिलर का। सो माइनॉरिटीज मीन्स नॉट ओनली द मुस्लिम सेक्युलर कम जैन सिख क्रिश्चियंस, सो ये सब कम्युनिटी भी उस लेवल में है, माइनॉरिटीज को किस तरीके से कन्विंस करेंगे? मैं आपको एक क्वेश्चन करूं जी, आप भी एक माइनॉरिटी से आते हैं ना, बिल्कुल आप इंसान को देखेंगे ना, पार्टी को तो बाद में देखेंगे, इंसान को तो देखेंगे। तो मेरे को पूरा कॉन्फिडेंट है, मैं माइनॉरिटी में ज्यादा जाके उठती बैठती मुझे कॉन्फिडेंट है। माइनॉरिटी वाले 100% साथ नहीं दिए तो भी परवाह नहीं, 25% तो 100% साथ देंगे ही देंगे, इतना मुझे कॉन्फिडेंट है। आपको कॉन्फिडेंट है? पूरा कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगी? मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, मैं भी एक आकांक्षी हूँ, मैं भी एक लेडीज को दे रहे तो मुझे जो बोल के मांग रही हूँ, सबका साथ चाहिए, माइनॉरिटी का भी साथ चाहिए, सब हमारा लोगों को भी साथ चाहिए, सबका साथ चाहिए। मेरे को जात धर्म में पहले भी नहीं करी, आज भी नहीं करूंगी, आगे भी नहीं करूंगी, मैं दो ही जात समझूंगी, एक आदमी एक औरत, बस मैं ये सोच के चल रही हूँ। सबका साथ दे चाहिए, सबका साथ दे दीजिए, मुझे भी टिकट मिलने के लिए आपका आशीर्वाद है तो टिकट मिलेगा, बस टिकट मिले तो जीत भी आप लोगों का साथ चाहिए। लोगों का यही विचार है, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन का निमित्तकोस्कर उमा महेश्वरी और एक सम्मान कार्यक्रम रखा था, इसलिए हम सब लोग इधर आया है। अभी हम सब लोगों का इच्छा है कि उमा महेश्वरी को उत्तर कॉन्स्टिट्यूशन का आकांक्षा है, उनको टिकट देना बोल के। इवत गुलबर्गा जिला वर्ग उत्तर मत क्षेत्रदाग महिळेयरिगे कोडबेकंत केसिंदु नावु विनंती माड्कोतीवि, ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಮಹೇಶ್ವರ ವಾಲಿಯವರ ಬಳಿ ಛಲವಾದಿಹರ ಹಠವಾದಿಹರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಬುದ್ಧಿ ಅದ, ಇಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಚಾರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದ, ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇವೊಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು MLA ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ।